वेलकम बैक टू एक्सॉटिक बर्ड्स दोस्तों, ये है हमारी बजीज की कॉलोनी का प्रोग्रेस, जो कि हमने आई थिंक 20-25 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। स्टार्टिंग में कुछ बजेस लाई थी और हमारे कुछ भाइयों ने ये भी कमेंट किया था कि भाई एक ही सेटअप की बजीज ना लाए, अलग अलग सेटअप की लेके आया। तो भाई मैंने ही अलग अलग सेटअप की लाई है। ये अलग अलग कुछ पांच अलग अलग जगह से कुछ पीस हमने 10 से ज़्यादा पीस हमने खरीदे, फिर कुछ 4-5 पीस अलग जगह से, मीन्स अराउंड ये है पूरे 25 पेयर है ये हमने। तो मैंने सोचा कि इसमें ऑलरेडी मीन्स 25 पेयर ही डालना चाहिए, 10 या 15 पेयर मेरे को लग रहा था कि थोड़े से कम हो जाएंगे और कॉलोनी बड़ी हो जाएगी, तो सोचा 25 पेयर डालेंगे। 25 से एक भी पेयर हम बढ़ाएंगे नहीं और ये अभी फिक्स है, 25 ही पेयर रहेंगे। और इसमें 50 पेयर में से 23 जो है मेल है और 27 फीमेल्स हैं। मेरा यही जब स्टार्टिंग में मैंने सोचा सा प्लान किया था बजीज बनाने का, तो मैंने थोड़ा सा मुझे तो चाहिए था कि ज़्यादा फीमेल्स रहे और ग्रीन टाइप के जो ग्रीन वाइल्ड मेल आते हैं वो ज़्यादा रहे, तो कोशिश मेरी वैसी ही रही है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ आपको 4 या 5 पीस ग्रीन मेल दिखेंगे, बाकी भी फीमेल है अलग अलग डिफरेंट कलर के। मैंने सोचा और कुछ बर्ड्स इसमें पूरे 50 नहीं है, कुछ बर्ड्स अभी क्वारंटाइन में हैं। अगर आप एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आप कि कहीं भी कोई सा भी बर्ड्स आप किसी भी ब्रीडर से या मार्केट से खरीदते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्वारंटाइन करिए अराउंड। मेरा खुद का एक पर्सनल है कि मैं 20 या 25 दिन उसको क्वारंटाइन करता हूँ, फिर अपने मेन सेटअप में लाके छोड़ता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो हमने बजीज जब लाए थे तो इसके अलावा कोई बजीज नहीं थी, और अनस का जो अनस एक माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ब्रीडर है, तो उसके पास का उनने पूरा वैक्सीन ऑल जो भी उसको करवाना था उनने सब करवा के था, और ऑलरेडी उसके घर पर जहाँ से उसने लाई थी वहाँ पर आई थिंक 1 या 1.5 महीने वो क्वारंटाइन थी उसके घर पे। तो मैंने वो स्टार्टिंग में जो भी लाए थे वो डायरेक्ट अपने सेटअप में इन करे, और बाकी जो मैंने लाए हैं वो मैंने क्वारंटाइन करे। इसमें से 2 लॉट अभी छूट गया और 7 पीस अभी उसमें क्वारंटाइन है फिलहाल, अभी उसका भी एक पर्सनल वीडियो में बनाऊँगा। और इन बजीज की जो एज है फिलहाल अभी 4 महीने हो गई है। आप शायद कुछ बड़े ब्रीडर्स जो एक्सपीरियंस है बजीज का, इसमें शायद आप देख के बता सकते हैं कि 3 या 4 महीने इनकी ऑलरेडी हो गई है। और मैं इनकी जो ब्रीड लूँगा वो मैं लूँगा अगस्त में, तो अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम है, 8 महीने। तो इन बजीज की जब ये ब्रीडिंग पे आएंगे अगस्त नहीं शायद जून जुलाई अगस्त, वो तो सीज़न वहाँ पर देखेंगे जून या जुलाई में कितनी गर्मी है, अगर ज़्यादा तो 1-2 बारिश हो गई तो हम इनको पूरी मटके लगा देंगे, तो मींस अराउंड ये बजीज पूरा साल भर की हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, छोटे वेराइटी के जो बर्ड्स आते हैं जैसे अफ्रीकन्स हुए, जावाफ हुई, फिंच हुई, बजीज हुई, इनकी एज जितनी ज़्यादा हो वो ब्रीड करते। मैं एक खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि इन बर्ड्स को मैं रोज़ देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं अभी इनको मटकी लगाऊँ तो 4 या 5 पेयर मेरे पास ईजिली ब्रीड कर देंगे, मगर मैं इनको मटकी नहीं लगाऊंगा, इनकी एज लूँगा। नॉर्मली बजीज तो वैसे 6 महीने के अंदर ब्रीड कर लेती है, मगर मैं साल भर बाद ब्रीड लेंगे हम, तो इनका रिजल्ट हमको पूरा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो ये है, और क्वारंटाइन भी है कुछ, और इस कॉलोनी शायद कुछ लोग यहाँ पर नए होंगे तो इस टाइप की हमने कॉलोनी है। ये 3.5 फुट इसकी लेंथ है, हाइट इसकी भी 5 फुट है और ब्रेथ 7 फुट है। तो ये है, और हमने इधर से दरवाज़ा नहीं रखा, जैसे कि हमने एक वीडियो में बताया था कि हमारा प्लान इधर भी है कुछ केज बनाने का फ्यूचर में, तो हमने दरवाज़ा यहाँ से दिया कि ये दरवाज़ा, ये एक अफ्रीकन पेयर मेरा यहाँ पे है नॉन रिंग का, यहाँ पर मैं सीज़न ऑफ होने पे कुछ यूनिक करने वाला हूँ। आप लोग वो सीज़न जब ऑफ होगा कैसे अच्छी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने पे ले, तो अफ्रीकन पे मैं कुछ अलग अलग करूँगा, तो वो 3 कॉलोनीज है मेरी यहाँ पर, मैं सारे मेल फीमेल्स अलग रखूँगा, और कैसे न्यू पेयरिंग बनानी है, कैसे मेल फीमेल को अलग करके ज़्यादा हीट पे ला के उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना कैसे, मीन्स अगले सीज़न में आप अच्छी ब्रीड लो, तो उसके लिए वो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में आपको उससे टॉपिक से रिलेटेड
वीडियो मिलेगी, तो मैं वैसा करने वाला हूँ। और ये है बजीज, मैं फ़िलहाल इसको, ये सॉफ्टवुड है, सॉफ्टवुड के तौर पे मैं इसको चना है इसमें थोड़ा, ये क्योंकि ये बजीज ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है, ये ऐसे गेहूँ ज़्यादा खाती है, तो मैंने इसमें गेहूँ की क्वांटिटी ज़्यादा मिलाई है। तो मैंने इसमें चना मिलाया है, मूंग मिलाया है, तुअर मिलाया है, मीन्स 5 अलग अलग तरह के मैंने इसमें सीड मिलाया, और गेहूँ ज़्यादा है, मीन्स 70% गेहूँ है, बाकी सब जो है वो है। और इसमें मैंने ये आप देख सकते सीड मिक्स में मैंने 70% बाजरा लिया है, 70% बाजरा लिया और 30% राला, तो 70% राला लिया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा ज़्यादा उनको बाजरा खिलाया जाए, बाजरा एक तरह से गर्म होता है। और पानी का मैं ठंड में मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, पानी जो आप रखते हो वो आप मोस्टली ये मिट्टी के बर्तन में ना रखें, मिट्टी का बर्तन आपको गर्मी में काम आता है, जैसे कि ये खुद मैं खुद गर्मी के लिए लेके आया था, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो ये पानी का बर्तन इसमें रखें, इसमें पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होता। और एक्स्ट्रा में मैंने क्या डाला है, ये आप देख सकते हैं, ये है सेंधा नमक, सेंधा नमक भी हम यूज़ करते हैं, माउंटेन रॉक जिसे बोलते हैं। और इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लगाई है कटल बोन फिश, जो मछली का झाग, समुद्री झाग जिसे लोग बोलते हैं, ये हमने इसमें ज़्यादा करी है, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि जो फीमेल हमारे पास 27 फीमेल हमारे पास जो रेडी हो रही है, वो एक ज़बरदस्त हमें बाद में रिज़ल्ट दे, क्योंकि फीमेल को ज़्यादा कैल्शियम लगता है, और स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा, मतलब जब उसको आप ब्रीड के लिए तैयार कर रहे हो, तो फीमेल के केज में अलग अलग आप रख रहे हो या जहाँ पे भी आपने रखा है उसमें ये ज़रूर लगाइए, ये एक बेस्ट है। तो ये इसको यहाँ पर इधर साइड से एक गेट लिया था, इसको हम ज़्यादा बंद का इसमें है नहीं, तो एक सिर्फ ईंट लगा देते, अगर ये थोड़ा सा भी लूज़ इनकेस हुआ तो बजीज इधर आ जाती है अफ्रीकन के पास, तो अफ्रीकन उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दे, जैसे कि आप गे पैक में, ये देखिए अब पूरा एक पैक हो गया, और यहाँ से इसको लगा दिया है लॉक, मगर एक ही गेट में दो गेट का हमारा यहाँ पर काम हो जाता है। तो दोस्तों ये है भाई, भाई आपके भाई की छोटी मोटी कॉलोनी, 25 पेयर से हमने स्टार्ट किया है, और इन बजीज से हम जो करेंगे अफ्रीकन के बच्चे भी पलाएंगे, ये आपको भी दिखाएंगे। मैंने इसके पहले भी किया है, वो जब मैं मींस यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बनाता था, उस टाइम मैंने नॉन रिंग के अंडे, मींस नॉन रिंग के जो बच्चे थे वो बजीज के नीचे रखे थे, वो सबसे बेस्ट मींस उनको पाल के अच्छा खासा बड़ा करके आपको देते थे, तो वो हम आपको दिखाएंगे फ्यूचर में। और एक चीज़ मैं आप सबको और इसमें ही बताना चाहूँगा कि आपके पास अगर बजीज हो तो उनकी 6 महीने में ब्रीड ना ले, मीन्स मेरे हिसाब से 6 महीने में बजीज तो ब्रीड करता ही है, मगर अगर आप उसकी ब्रीड 10 महीने में लेते हो तो आपको रिजल्ट एक्सीलेंट मिलेगा। और एट द एंड ऑफ सीज़न, मींस अभी मैंने बजीज सीज़न एंडिंग में लिए, तो ब्रीड तो लेने का कोई फ़र्क मीन्स मोटिव बनता ही नहीं है, तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इनकी जो सिर्फ देखभाल करेंगे और इनको अच्छा खासा बड़ा करेंगे, 11 से 12 मंथ की इसमें से कुछ बजीज हो जाएगी, वो हमको जो क्या रिजल्ट देगी वो तो आपको फ्यूचर में देखने को मिल ही जाएगा। ज़बरदस्त है, ये एक बात याद रखिए कि जितना ज़्यादा बर्ड्स का एज हो उसमें आप ब्रीड लो, तो वो आपको रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त देते हैं। तो ये है भाई आपकी छोटी मोटी बजीज की कॉलोनी, और छोटा सोचा कि छोटा मोटा एक अपडेट दे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लूज़ हमें वो दिख रही थी बजीज, तो हमने उनको अच्छा चाइना क्यू, बहुत ज़्यादा ठंड है तो चाइना क्यू आप यूज़ करिए, मोस्टली मैं खुद हफ्ते में 4 दिन चाइना क्यू यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी 4 दिन मैं चाइना क्यू यूज़ कर रहा हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए। और पेयरिंग भी इसमें ज़्यादातर बर्ड्स की हो गई है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है फीमेल्स है, 27 फीमेल, 23 मेल्स है, तो कितनी फीमेल ब्रीड करती है ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। एंड वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करते हो, कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अभी के लिए थैंक यू सो मच।